फिर से ही मैं प्रियंका आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और जो करंट अफेयर का रिव्यू है, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वन वर्ड में फटाफट हम रिवाइज करते हैं, वो इस वीडियो में है। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो इसमें सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और कोर्स में ये सब आपको डेली मिलता है। तो देखिए, मानव संसाधन विकास यानी कि HRD मंत्रालय द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय संस्थागत ढांचा NIRF इंडिया रैंकिंग 2019 के अनुसार किसने भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो बेंगलोर इसका राइट आंसर है। बेंगलोर ने जो है वो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसने? भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर ने। ओके, गूगल की जनक कंपनी अल्फाबेट ने किस देश में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से पहली वाणिज्यिक ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है? ऑस्ट्रेलिया। गूगल की जनक कंपनी अल्फाबेट, ठीक है, किस देश ने अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से पहली वाणिज्यिक ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो ऑस्ट्रेलिया है। शॉर्ट में याद कर लीजिए, वाणिज्यिक ड्रोन डिलीवरी सेवा हाल ही में किसने शुरू की? ऑस्ट्रेलिया ने। और गूगल की जनक कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट। नेक्स्ट देखिए, कौन सी भारतीय कंपनी फिलीपींस की सबसे बड़ी पर्सनल केयर कंपनी स्प्लैश का अधिग्रहण करने जा रही है? विप्रो। कौन सी भारतीय कंपनी फिलीपींस की सबसे बड़ी पर्सनल केयर कंपनी, अब देखिए शॉर्ट में याद रखिए, फिलीपींस की सबसे बड़ी पर्सनल केयर कंपनी कौन सी है? विप्रो है। तो भारतीय कंपनी स्प्लैश का फिलीपींस की सबसे बड़ी पर्सनल केयर कंपनी स्प्लैश का अधिग्रहण कौन कर रही है? विप्रो कर रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, किस देश ने कहा कि उनका प्रशासन संयुक्त राष्ट्र आयुध व्यापार संधि में समर्थन वापस ले रहा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऐसा किसने कहा है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कहा है कि उनका प्रशासन संयुक्त राष्ट्र आयुध व्यापार संधि में समर्थन वापस ले रहा है। नेक्स्ट देखिए, पूर्व योजना आयोग सदस्य श्री हितेन भाया का दिल्ली में निधन हो गया, इन्होंने किसके रूप में सेवा दी? तो इन्होंने निदेशक भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC में निदेशक के रूप में सेवा दी, ठीक है। हितेश भाया किससे संबंधित हैं? भारतीय जनसंचार संस्थान के निदेशक। वास्तविकता में कॉरपोरेट प्रशासन अनुवाद उत्कृष्टता के लिए ICSI आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आदि गोदरेज, ठीक है, आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से आदि गोदरेज को सम्मानित किया गया। वास्तविकता में कॉरपोरेट प्रशासन में अनुवाद उत्कृष्टता के लिए यह अवार्ड इन्हें मिला है, आदि गोदरेज। किस राज्य सरकार ने केवल पीने और सिंचाई उद्देश्य के लिए ताजे पानी की आपूर्ति को सीमित करके औद्योगिक उपयोग के लिए इलाज किए गए अपशिष्ट जल की आपूर्ति को सीमित करके पानी की कमी को दूर करने के लिए विस्तृत योजना बनाई है? गुजरात सरकार ने करा है ऐसा। गुजरात सरकार ने पीने और सिंचाई के उद्देश्यों में पानी की कमी को दूर करने के लिए योजना बनाई है। किस राज्य में लगभग 4 दशकों के बाद बांस के चावल दिखाई दिए हैं? ओडिशा। ओके, हाल ही में बांस के चावल कहाँ दिखाई दिए हैं? ओडिशा में। कितने समय बाद? लगभग 4 दशकों के बाद। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए किस संस्थान के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT दिल्ली, ठीक है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती में समारोह के लिए IIT दिल्ली के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगले 4 वर्षों में 40 सैटेलाइट लॉन्च वाहनों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 10,900 करोड़ रुपए। 40 सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शॉर्ट में याद रखिए, क्वेश्चन तो कैसे भी घुमा फिरा के दिया जा सकता है। तो 40 सैटेलाइट लॉन्च करने का उद्देश्य 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। किस देश ने अफगान के नागरिकों के आगमन पर वीजा की लंबे समय से चली आ रही सुविधा को समाप्त कर दिया?
पाकिस्तान किस देश ने अफगान नागरिकों के आगमन पर वीजा की लंबे समय से चली आ रही सुविधा को समाप्त किया है? पाकिस्तान ने ऐसा किया है। तो अफगान नागरिकों के आगमन का वीजा का सुविधा समाप्त पाकिस्तान ने किया है। 27वीं बेसिक। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन जलवायु परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक 19 और 20 नवंबर 2018 कहाँ आयोजित की गई थी? दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है। किसे तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमिताभ बच्चन को। सयाजी रत्न पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला, तीसरा सयाजी पुरस्कार है जो कि अमिताभ बच्चन को मिला है। किस देश ने खेल के मैदानों और ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्मों सहित कुछ सार्वजनिक स्थानों पे आउटडोर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है? स्वीडन। स्वीडन ऐसा देश है जिसने खेल के मैदानों और ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्मों सहित सार्वजनिक स्थानों में आउटडोर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेरी आवाज़ आपको सुनाई दी कि नहीं दी, आई डोंट नो, मैं रिपीट कर देती हूँ। स्वीडन एक ऐसा देश है जिसने खेल के मैदानों और ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्मों सहित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित कर दिया है, स्वीडन ने। ओके सो गाइस, आगे देखिए। यांगून, म्यांमार के पांचवें एंटरप्राइज इंडिया शो का उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद ने। यांगून, म्यांमार के पांचवें एंटरप्राइज इंडिया शो का उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया। किस राज्य सरकार ने परिवार की अचल संपत्ति के विभाजन के बाद लोगों को अपनी संपत्ति पंजीकृत करने हेतु 100 रुपये का शुल्क तय किया है? बिहार ने। मतलब संपत्ति पंजीकरण के लिए जो शुल्क है वो है 100 रुपये, ये बिहार सरकार ने किया है। 15 नवंबर 2018 को अशोक चावला ने किस बैंक के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया? यस बैंक। हाल ही में यस बैंक के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? अशोक चावला ने। किस योजना के तहत सेवा कर को सामान्य बीमा योजना से अलग रखा जाता है? निर्यामा योजना। सेवा कर को सामान्य बीमा योजना से निर्यामा योजना द्वारा अलग रखा जाता है। 2019 में कैंसर की तैयारी में सूचकांक में भारत की रैंक 19वीं है। 2019 कैंसर तैयारी सूचकांक में भारत की रैंक 19वीं है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा NIRF इंडिया रैंकिंग 2019 के अनुसार, ये गलत टाइप हो गया है, कौन सा संस्थान भारत का सर्वश्रेष्ठ फार्मी संस्थान है? जामिया हमदर्द।